जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उस किस्से को सुनेंगे जब तुलसीदास जी पहुंचे थे जगन्नाथ जी अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बहुत धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने सोचा कि इतनी दूर आना तो व्यर्थ ही हो गया। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई, थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास का बदन दर्द से टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई, वो ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा कि शायद साथ आए लोगों में से किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। वे उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ पर हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपया करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप अस्वीकार कर रहे हैं, कारण क्या है? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारु मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। तब बालक ने कहा कि फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भाव भगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु और मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर वह बालक यह कहकर अदृश्य हो गया, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे और शरीर की कोई सुध ही नहीं रही। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद को ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी दर्शन के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा को पूरा किया। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान आज तुलसी चोरा नाम से विख्यात है। वहां पर तुलसीदास जी का बड़छटा मठ भी प्रतिष्ठित है। जय जगन्नाथ स्वामी, जय सियाराम। कैसा लगा आपको ये किस्सा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की और कहानी किस्सों के लिए, कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।